देखो तो इसमें देखो मैं बताऊं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जो साई होता है एलआई के बराबर होता है, थर्ड फॉर्म ओम्स लॉ इसको बोलते हैं हम लोग, है ना। आप इसको मतलब साई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है बच्चे, मतलब जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा, एज यू इंक्रीज द करंट इंक्रीज द फ्लक्स लिंकेज, लिंकेज बोलते हैं इसको, फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं। तो साई वैसे वैसे बढ़ता है, तो अब साई क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न इन टू फ्लक्स, दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है वो साई के बराबर होता है। तो अब हम साई की जगह हम एल फाई इन टू एल आई रख दिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम तो क्या निकला देखो एन। अब ये यहाँ पर दो दो फंक्शन है, एन और फाई, एल और आई, डबल दो फंक्शन को हमने जब डिफ्रेंशिएट किया तो एल डी फाई बाई डी टी, फाई एन डी आई बाई डी टी और एल डी आई बाई डी टी। और ये देखो एल जो है इंडक्टेंस का वैल्यू कांस्टेंट होता है, इसीलिए एल डी आई बाई डी टी जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन में कांस्टेंट का वैल्यू जीरो होता है। उसी तरह नंबर ऑफ टर्न भी कांस्टेंट होता है, तो डी एन बाई डी टी भी जीरो हो जाएगा। ये दो टर्म जीरो हो गया, ये और ये, तो हमारे पास ये और ये टर्म बच गए। तो हमें ये पता है मैक्सवेल के लॉ के अकॉर्डिंग कि एन एन डी फाइव बाई डी टी जो होता है वो वी ई एन डी फाइव बाई डी टी के बराबर होता है। मतलब मैक्सवेल ये बोलते हैं कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स जो है और फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज चेंज होता है, तो उससे क्या होता है, वोल्टेज जनरेट होता है, जिस पर इसी के बेस पर बच्चे हमारा पूरा का पूरा मशीनरी है, इंडक्टेंस है, मोटर है, फैन है, ये सारे इसी पर बेस्ड हैं। तो हमने देखा कि वी इजकल टू एल डी आई बाई डी टी आ गया हमारे पास अब। तो ये दैट इज अ फोर्थ फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बोला जाता है। और जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, पाई और एल आई का भी बनाते हैं, तो लीनियर आता है, कैसा आता है, लीनियर आता है, बाइलेटरल एंड पैसिव आता है, ठीक है ना, दैट इज अ फोर्थ फॉर्म। अब हम जो स्टार्ट करने वाले थे ये हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक डोमेन है, जिसमें क्यू इजकल टू सी वी है बच्चे। क्यू क्या है, चार्ज, सी क्या है, कैपेसिटेंस, डी क्या है, वोल्टेज, दैट इज अ कॉल्ड फिफ्थ फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। मतलब जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे चार्ज बढ़ते जाता है, किसमें, कैपेसिटर में, ये जो कैपेसिटर है उसमें वैसे वैसे ही बढ़ते जाता है। तो अब हमने देखा क्या कि क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी हो गया, तो क्यू वन बाई क्यू टू इजकल टू वी वन बाई वी टू। ये फॉर्मूला आप कभी भी प्रोपोर्शनलिटी हो तो यू कैन यूज दैट फॉर्मूला। ये क्वेश्चन लोगों को कंफ्यूज करता है कि अगर वोल्टेज 10 है और हमारे पास करंट 5 एम्पियर आ रहे हैं, तो अगर हमने वोल्टेज बढ़ा दिया तो करंट बढ़ जाएगा, है ना, चार्ज बढ़ जाएगा। करंट से नहीं रिलेशन होता है, चार्ज से होता है, वोल्टेज का रिलेशन चार्ज से दिया गया है ना। तो कभी पूछेगा तो वोल्टेज का रिलेशन चार्ज के साथ यही है, क्यू वन बाई क्यू टू इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू, ठीक है। अब यस देखो, सर, हाँ अब देखो बच्चे, अब हम क्या किए, हमने हमारे पास तो ये आ गया क्यू इज इक्वल टू सी वी आ गया। अब क्यू इज इक्वल टू सी वी आ गया हमारे पास, क्यू इज इक्वल टू सी वी। अब इसको मैं डेराइव करूंगा टी के रिस्पेक्ट में और देखता हूँ क्या निकल के आता है। तो हमारा डेरिवेशन हो जाएगा सिक्स फॉर्म के लिए, तो क्यू इज इक्वल टू सी बी हमने रखा, तो इसको आप करो टी के रिस्पेक्ट में। तो देखो डी क्यू बाई डी टी आ गया पहली बार में ही। अब ये दो फंक्शन है, तो एक बार आप लोगे फर्स्ट फंक्शन सी डी वी बाई डी टी और एक बार लोगे दूसरा डी सी डी वी बाई डी टी। तो आपको मैं बता दूँ, कैपेसिटेंस जो होता है कॉन्स्टेंट होता है, मतलब 40 फैरेड 50 फैरेड जैसे कॉन्स्टेंट होता है। तो कांस्टेंट का भी हमने देखा था सी डी बाई डी टी इक्वल टू जीरो होता है, डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाता है। तो ये तो पूरा गया, हमारे पास क्या बचा बच्चे, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू सी डी बी बाई डी टी। समझ में आया मेरी बात आपको? तो आप डी क्यू बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चे, बताओ, कोई बताएगा मुझे डी क्यू बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करता है?
बहुत पहले आपने पढ़ा होगा क्यू बाई टी क्या बताता है। सर, करंट 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 को सर। वेरी गुड, करेंट। तो देखो यहाँ पर करेंट का फॉर्मूला हो गया आई इजकल टू सी डी वी बाई डी टी, आ गया ना, दैट इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। और इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ का सिक्स फॉर्म, सिक्स फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। लग गया पता? तो दैट इज द सिक्स फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब आपके मन में आएगा कि सर वी आर फाइंडिंग फ्रॉम दैट। अब हम देखो, अभी हम एक एक आपके मन में आएगा सबसे वोल्टेज और करंट का रिलेशन आपको निकालना है। तो आपने देखा जे इजकल टू सिग्मा इंटू ई और बी इजकल टू आई आर, मैंने ये डेराइव करवाया आपको, है ना। ये दैट इज द फर्स्ट फॉर्म, दैट इज द सेकेंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म आपने देखा साई इजकल टू एल आई, थर्ड फॉर्म। और फिर आपने देखा वोल्टेज इजकल टू एल डी आई बाई डी टी, ये फोर्थ आपने देखा। फिफ्थ आपने देखा आई इजकल टू सी डी बाई डी टी, अभी हमने निकाला, देखा ना। तो ये फिफ्थ, और एक सॉरी इसमें हमारा ये छूट गया है, ये मैंने आपको बताया था क्यू इजकल टू सी, क्यू इजकल टू सी डी, और उसके बाद इसी को डेराइव किया था हमने, तो आई इजकल टू सी डी बाई डी टी आया था। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। इसी को ये देखो, एक एक फॉर्म मैंने लिख दिया आपके सामने, ये सारे के सारे एक एक फॉर्म हैं ओम्स लॉ के। टोटल कितने फॉर्म हो रहे हैं काउंट करो। टोटल कितने हुए हैं देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिफ्थ और सिक्स्थ। आई बात मेरी समझ में? अब देखो इसमें आपको चार्ज पता है, करंट पता है, इसका वोल्टेज कैसे पता चलेगा। तो आई इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी है, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो मुझे वोल्टेज चाहिए तो मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, आई डी टी इज इक्वल टू सी डी टी। अब दोनों तरफ डेराइव करूंगा, सी को इधर लेके आ जाऊंगा, वन बाई सी आई डी टी, और यहाँ पर देखो डी वी है, तो ये बी डी वी है तो सीधे ये बी आ जाएगा, मतलब बी इज इक्वल टू वन बाई सी आई डी टी। अब मैं बोलूंगा कि ये क्या है सर, इस टाइम को मैं माइनस टी से लेके टी तक ले लिया, फिर क्या करोगे? टाइम का आपको पता नहीं है, आपने माइनस टी से लेके टी तक ले लिया, तो आप चाहोगे कि जीरो से टी तक हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ। अब मुझे एक क्वेश्चन का पहले आप लोग आंसर दो। गुरदास बताइए कि आपके घर में एक मोबाइल है, वो चार्ज हो रहा है, 30% चार्ज हो गया है। अब आप जा रहे हो फिर से और किसी ने निकाल दिया, फिर से जाके इसको चार्जिंग में लगा रहे हो, तो इसका चार्ज जीरो से स्टार्ट होगा कि 30 के बाद होगा? बोलो बच्चे, जीरो से होगा कि 30 के बाद होगा? ये 30 के बाद होगा, इसी चीज को समझना आप लोग। कोई भी टोटल, अगर कोई भी इसमें इसमें कोई पूछे कि टोटल वोल्टेज की वैल्यू बताओ, ये तो वोल्टेज की वैल्यू हुई, बट एनीवन आस्किंग टू द टोटल वोल्टेज की वैल्यू, वी इज इक्वल टू वन बाई सी डी आई बाई डी टी। सॉरी डी आई है ना, यही है ना, डी आई डी टी है, सॉरी। वी इज इक्वल टू वन बाई सी आई डी टी, अभी हमने डिराइव किया इसको। तो देखो इसमें माइनस टी से टी तक लिखा है, तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वन बाई सी डी माइनस टी से लेके
जीरो तक आई डी टी, अब प्लस वन बाई सी जीरो से लेके सी तक। आ गई बात मेरी समझ में? अब देखो बच्चे, ये क्या बता रहा है? ये इनिशियल वैल्यू बता रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल वैल्यू। और इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। देखो ये वोल्टेज बता रहा था ना, तो वी जीरो प्लस वन बाई सी जीरो से लेके टी तक आई डी टी किसके बराबर? वी बराबर। आ गई मेरी बात समझ में? अब इसी तरह आपको डिराइव कर सकते हो सर, इसको जीरो, सर इनिशियल वैल्यू को सर जीरो कैसे हम, इसको इनिशियल वैल्यू को हम ऐसे ही सर इनिशियल वैल्यू, ये जीरो नहीं है क्योंकि हमें पता नहीं है ना कब से स्टार्ट किया उन्होंने, आपने चार्ज करना शुरू किया है इसीलिए इसको वी जीरो बोलते हैं, इसको इनिशियल वैल्यू बोलते हैं। आपको दे देगा कि पहले से 30 वोल्ट चार्ज था, उसके बाद आप चार्ज कर रहे हो, तो यहाँ 30 आ जाएगा। कोई 20 वोल्ट से चार्ज कर लिया था, फिर 20 आ जाएगा, ठीक है, इसीलिए इसको इनिशियल वैल्यू बोलते हैं। आगे देखो, ठीक है, ओके। हाँ अब आगे देखो, इसी तरह इंडक्टर में क्या होता है बच्चे बताओ? इंडक्टर में आपने पढ़ लिया कि आई इजकल टू, सॉरी कैपेसिटर में आपने पढ़ लिया आई इजकल टू सी डीवी बाई डी टी, पढ़ लिया ना, ये हमने निकाल लिया कि B is equal to 1 by C D by D। देखो ये इधर चला गया तो क्या आ गया? I D T, है ना, ये हमने देख लिया वोल्टेज इक्वल टू। कंप्लीट अगर चाहिए था तो हमने देख लिया था V 0 प्लस 1 by C I D। अब देखो इधर देखो, अब इसी तरह इंडक्टर के लिए देखो बच्चे, इंडक्टर में क्या होता है बताओ? इंडक्टर में हमने पढ़ा V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, पढ़ा ना, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, जिसको ओम्स लॉ का फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। अब इसको थोड़ा डिराइव करते हैं, वी डी टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, अब इन दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो क्योंकि ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है ना। आ रही मेरी बात समझ में? अब एल को इधर लेके आ जाओ, बाहर निकालो, तो 1 बाई एल वी डी टी इजकल टू डी आई, तो ये देखो डी आई है। अब इसका क्या आ जाएगा वैल्यू? इंटीग्रेशन हटाएंगे तो आई इजकल टू 1 बाई एल वी डी टी, बस। अब इसमें देखो बच्चे, अब इसका टाइम माइनस टी से लेके टी तक हो गया, तो आई इजकल टू 1 बाई एल जीरो से लेके, सॉरी माइनस 30, माइनस टी से लेके टी तक बच्चे, और डी आई, ठीक है, डी आई हो गया था, सॉरी वी डी टी। और इसको अगर और भी उस तरह के फॉर्म में लिखना है तो 1 बाई एल वी जीरो, आई जीरो होता है क्योंकि करंट को बताता है बच्चे, इसलिए यहाँ पर आई जीरो होता है, वी जीरो नहीं, आई जीरो, आई जीरो प्लस, कल और भी इसको बता दूंगा मैं,
ये लिख लो आप लोग, कल मैं इसके बारे में आपसे पूछूंगा, अच्छी तरह से आपको ध्यान होना चाहिए। मैं पूछूंगा इंडक्टर में वोल्टेज बताइए, इंडक्टर में करंट बताइए, कैपेसिटर में वोल्टेज बताइए, कैपेसिटर में करंट बताइए। इसको हम लोग इनिशियल वैल्यू बोलते हैं बच्चे। पहले से इंडक्टर चार्ज होगा तब जाके हम लोग चार्ज कर, अगर नहीं होगा तो जीरो लिखा जाएगा। अगर चार्ज होगा पहले से तब तो उसका वैल्यू आएगा ना, चार्ज जीरो है तो नहीं आएगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो कल मिलते हैं बच्चे हम लोग, है ना, आज के लिए इतना ही, ठीक है, काफ़ी हो जाएगा अभी तो। आप लोग जाना इस पर, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो, दैट इज अ बेसिक। ओके सर, अब इन सारे क्वेश्चनों का आप कर